अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी पोटैटो करी। जी ये बहुत आसान है और इसके ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। जस्ट हमने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, 3 दरमियाना साइज़ के प्याज लिए हैं और 2 लाल टमाटर। अब हम पकाना शुरू करते हैं। देसी घी मैंने डाला घर का बना हुआ। इसको घर पर बनाना बहुत आसान है। इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। इसमें कटे हुए प्याज डाले, प्याज फाइनली आपने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। साथ ही हम इसमें आलू काट कर डालना शुरू कर देंगे। इसकी रेसिपी बस इतनी सी है कि आपने सारी चीज़ें एक साथ डालकर पानी ऐड करके बर्तन में बस चूल्हे पर चढ़ा देनी है। फिर ये आलू खुद ही पकते रहेंगे पानी के अंदर। कोई इसमें नीचे लगने का डर नहीं है, सर पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम भी खत्म होने खाना करती रहे और आते जाते इसमें ज़रा चम्मच भी चलाती रहे। सब चीज़ें काट कर हमने डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। चूल्हे की आंच जो है वो हमने मीडियम रखी हुई है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। वो इस तरह से हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डालें, रेड चिली पाउडर अपनी मर्ज़ी से डालें, मैंने 1 टीस्पून डाला है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक अपनी मर्ज़ी से आप डालें, मैंने 1 टीस्पून भर के डाली है। अब इन सारे स्पाइसेस को चीज़ों को अच्छा सा मिक्स एक दे दें और मीडियम आंच पर पकने दें। अब जी आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, वो है अनारदाना पाउडर। अनारदाना पाउडर जो है वो बहुत साफ़ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। डालने से पहले अच्छा सा चेक कर लें, अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। सब चीज़ें डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम ढककर पकाएंगे। जब पोटैटो 80-90% पक जाएँ तो हम तकरीबन 10% आलू के जो पीसेस हैं उनको लेकर फोक की मदद से मैश कर लेंगे और ग्रेवी में शामिल कर देंगे। इससे हमारी ग्रेवी और मज़े की बनेगी। अगर आपको ये पसंद है कि आपकी जो पोटैटो करी है इसका जो कलर है वो और ज़्यादा लाल लाल यानी रेडिश होए, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे वो इतनी तेज़ नहीं होती खाने में, उसका टेस्ट माइल्ड ही होता है, लेकिन उससे ये है कि सालन का कलर बहुत अच्छा रेड रेड बनता है। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे किचन में अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो चुकी थी और मुझे लेट पता चला। एनीवे बहुत मज़े की हमारी पोटैटो करी बनी। इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हमने डाले और ये अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। रोटी चावल पुलाव के साथ खाने के लिए तैयार है। इवन हलवा पूरी के साथ भी ये आलू की जो भुजिया है ये बड़ी मज़े की लगती है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा जब कुछ समझ ना आए 2-3 आलू लें और ये बना कर देखें। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।